Hello, good morning student. Today we are learn class third subject computer, topic typing and using the mouse. Typing and using the mouse chapter 3. कौन से chapter है आपका? 3 chapter है, third chapter है. और हमारा जो topic है वो क्या है? टाइपिंग. टाइपिंग का मींस होता है राइट करना. जैसे कि जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट में जैसे आप वर्ड पेज में या वर्ड आर्ट हो या इसमें एमएस ऑफिस वर्ड, ठीक है ना, क्या है एमएस ऑफिस वर्ड, तो वर्ड में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो ये क्या है, टाइपिंग. तो सबसे पहले तो हमें क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए. फिर नेक्स्ट है एंड यूजिंग, और हम किस किन किन चीजों का इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं. टाइपिंग करने में हम किन किन चीजों का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं द माउस. इसमें लिख रखा है कि टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस. सबसे पहले माउस हमारा जो होता है वो क्या करता है, कौन सी डिवाइस है हमारी, ये है हमारी इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड और माउस जो होता है ये कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट. तो जो माउस है ये क्या करता है, पॉइंट. जैसे कि हमारे पास जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के क्या होते बने हुए आइकन्स, तो जब भी हम माउस के माउस से इनको क्या करते हैं, खोलते हैं, यानी कि ये हमारे जो आइकन होते हैं, आइकन इनको क्या बोलते हैं, आइकन्स. तो ये आइकन्स इन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. एक होता सिंगल क्लिक और एक है डबल. तो डबल क्लिक करने से हमारी फाइल क्या होती है, ओपन होती है. तो अगर हम किसी भी फाइल को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानवा ये हमारा क्या है, एम एस वर्ड. क्या है, वर्ड, एम एस वर्ड. तो इसको अगर हम खोल रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ये माउस का बटन है और यहाँ पे दो क्या है, बटन्स हैं. तो लेफ्ट साइड वाला जो बटन है ये वाला, इससे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक. इससे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो एमएस वर्ड की जो हमारी फाइल होगी ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, है ना. जब ओपन होगी तब हम इस पे क्या करना स्टार्ट करेंगे, क्या करना, हम इसमें क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे. अभी मैंने बताया आपको टॉपिक हमारा क्या है, टाइपिंग. तो टाइपिंग स्टार्ट करेंगे, जो हमारे अल्फाबेट की होती है किसमें, कीबोर्ड. सबसे पहले क्या है हमारे पास, कीबोर्ड. कीबोर्ड और माउस. माउस से हम पॉइंटिंग करते हैं, यानी कि इस इन आइकन्स को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं, खोलते हैं. ये कौन सी डिवाइस होती है, पॉइंट. और फिर हमारे पास क्या है, कीबोर्ड. कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट डिवाइस, यानी कि इसमें क्या होते हैं, हमारे जितने भी न्यूमेरिक की हुए और क्या हमारे पास अल्फाबेट की होती है, फंक्शन की होती है ना, ये सारी की का हमें क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, अपने घर में अगर आप लोगों के घर में कंप्यूटर है, तो आप एक दिन में दो लाइन, तीन लाइन, थ्री लाइन या फोर लाइन आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर में. तो हम टाइपिंग सीख सकते हैं, ठीक है ना. तो यूजिंग द कीबोर्ड हम क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड का यूज कर रहे हैं एंड द माउस. कैसे हम यूज करेंगे, किसका, कीबोर्ड का और माउस का, किसमें, कंप्यूटर में. नेक्स्ट हमारे पास आती है कीबोर्ड. ये कीबोर्ड दे रखा, तो कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे, जानेंगे क्या है हमारा कीबोर्ड, क्या काम होता है कीबोर्ड का. नेक्स्ट है अल्फाबेट की, और इसमें ही हमारी क्या होती है, अल्फाबेट की होती है. अल्फाबेट किसको बोलते हैं, जो हमारी क्या होती है, ए टू जेड. ए टू जेड इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट की. फिर है हमारे पास न्यूमेरिक की. क्या है, न्यूमेरिक. न्यूमेरिक होती है 0 to 0 to 9.
यह हमारी क्या है, न्यूमेरिक की, यानी कि जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, वन वन, जैसे हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सारी चीजें होती है ना, तो यहां से हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि जीरो जीरो वन है ना, या टू थ्री फोर, हम अगर इसमें से क्या करेंगे 16 लिखना चाहेंगे तो 1 6 1 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 16, ऐसे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसको। हंड्रेड में टेंस, जैसे कि आप लोगों ने पढ़े होंगे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड है ना, इन सब चीजों को हम इन की के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। तो डियर स्टूडेंट, अब मैं इन चीजों को आप लोगों को बुक के माध्यम से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट यूजिंग द कीबोर्ड एंड द माउस, यानी कि ये चीज जो है क्या, कीबोर्ड और माउस, इनका यूज हम कैसे करते हैं कंप्यूटर में, और होता है इनका यूज कैसे इंस्ट्रक्शन देने में। As you know that the keyboard and the mouse are two important input device. सबसे पहले ये कौन सी डिवाइस है हमारी, इनपुट डिवाइस, जो क्या करती है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है। As you know that a keyboard and the mouse are two important input device. कौन सी डिवाइस, इनपुट डिवाइस है, यूजिंग विच वी गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, हम इनके द्वारा क्या देते हैं कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हमें उसमें कार्यवाही करनी है, हमें टाइप करना है या वीडियो देखना है उसमें, या उसमें कार्टून देखना है, पिक्चर देखनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो हम किसके माध्यम से करेंगे, जैसे कि हमारे पास क्या होता है माउस, तो माउस को हम, माउस से हम इन चीज़ों को जो हमारे आइकन्स होते हैं उन पे हम क्लिक करते हैं तो ओपन होते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू ऑपरेट देम करेक्टली, तो हम इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इसमें ऑपरेट करते हैं करेक्टली। नंबर वन, व्हेन आई टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शन आई यूज कीबोर्ड, मेरे द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गिवन द इंस्ट्रक्शन, वो आई यूज द कीबोर्ड, मैं क्या हूँ कीबोर्ड। व्हेन आई हैव टू पॉइंट क्लिक टू गिव कमांड्स आई यूज अ माउस, जब मेरे द्वारा कोई भी पॉइंट क्या क्लिक टू गिव कमांड्स, कोई भी कमांड्स दी जाती है तो मैं कौन हूँ बल, माउस, मैं कौन हूँ माउस। और जब भी यहाँ पे व्हेन आई हैव टू टाइप, जब भी कुछ चीज़ भी कंप्यूटर में टाइप की जाती है एंड गिव इंस्ट्रक्शन, और कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो आई यूज़ द कीबोर्ड, मैं क्या हूँ कीबोर्ड। तो टाइपिंग किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं, और कमांड किससे देते हैं हम लोग, माउस से। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर लर्निंग। कीबोर्ड क्या बोला, द कीबोर्ड इज एन इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस डिजाइन टू टाइप एंड एंटर कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। द कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, डिजाइन टू टाइप एंड एंटर कमांड्स, और हम क्या करते हैं इसमें एंटर कमांड्स का यूज करते हैं, इनटू अ कंप्यूटर, किसमें, कंप्यूटर में। द कीबोर्ड कैन बी क्लासिफाइड अ गिवन इन द फॉलोइंग सेलेक्शन सेक्शंस, तो हमारे पास इसके बहुत सारे क्या हैं, सेक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे इनको। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अल्फ़ाबेट कीज़, ये क्या है हमारी अल्फ़ाबेट कीज़, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था A to Z ABCDEFG, जो भी हमारी क्या होती है अल्फ़ाबेट कीज़। न्यूमेरिक कीज़ जो हमारी क्या होती है, नंबर्स कीज़, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये नंबर्स कीज़ हो गई हमारी न्यूमेरिक कीज़।
फंक्शन कीज, जैसे कि आप लोग देखते होंगे इसमें F1, F2, F3, F4, F5, F6, ये हमारी कौन सी है की, F7, F8, F9, F10, F11, F12, ये कौन सी की है हमारी, ये हमारी फंक्शन कीज। फिर होती है हमारे पास स्पेशल कीज, जैसे कि अल्ट, ये अल्ट वाला बटन है, कंट्रोल बटन है, ठीक है, शिफ्ट बटन है, तो ये क्या है, कौन सी कीज है, स्पेशल कीज। फिर है हमारी कर्सर कंट्रोल कीज, जैसे कि हम इनसे क्या करते हैं, अपने पॉइंट को जब भी हम कर्सर को लेफ्ट में या राइट में या टॉप या बॉटम ले जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। और ये है हमारी क्या, न्यूमेरिक कीज, कीपैड। ये न्यूमेरिक क्या होता है हमारा, कीपैड। जब भी हमें कैलकुलेशन कुछ भी करनी होती है तो हम न्यूमेरिक कीपैड से ही करते हैं। अल्फ़ाबेट, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास क्या है, ये अल्फ़ाबेट कीज है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट कीज क्या होती है। यू कैन टाइप वर्ड्स एंड सेंटेंस यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज, जब भी हम किसी वर्ड को क्या करते हैं टाइप, जैसे कि अल्फ़ाबेट WORD वर्ड, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक सेंटेंस, क्या बनता है इससे, सेंटेंस। यूजिंग द अल्फ़ाबेट कीज, तो इस टाइप से हम अल्फ़ाबेट कीज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, इन्हीं से हमारे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। सिंस देयर आर 26 अल्फ़ाबेट, हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ऑल 26 अल्फ़ाबेट्स कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, तो ये सारी, ये 26 जो कीज होती है ये हमारे पास किस में होती है, कीबोर्ड में होती है। डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे हम न्यूमेरिक कीज, द नंबर्स कीज आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9, ये जो न्यूमेरिक कीज होती है ये 0 to 9। फ्यू स्पेशल सिंबल्स लाइक परसेंट एवरेज आर ऑल्सो ऑन द नंबर्स कीज जस्ट ऑन अपर हाफ ऑफ दीज कीज, तो इस टाइप से हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 to 9 नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। एंड परसेंटेज, जैसे कि परसेंटेज वाला होता है परसेंट लगाना, या कहीं पे हम जैसे कि ईमेल बना रहे हैं या कहीं पे हम ज़रूरत पड़ती है एलरेट लगाने की, तो ये एलरेट है। इन चीज़ों का हम नंबर की जैसे ऑन द अपर हाफ ऑफ दीज की, हमारे पास ये कीज होती है किस में, कीबोर्ड में। If you want to type number like you are the telephone, जैसे कि हम telephone number लिखते हैं, number or your roll number, जैसे कि हम roll number लिख रहे हैं, you need to use the numeric key, इन चीज़ों को लिखने में, जैसे कि हम mobile number लिख रहे हैं, roll number लिख रहे हैं, या van number लिख रहे हैं, यानी कि गाड़ी का number, किसी भी चीज़ का हम जब भी नंबर लिखते हैं या मैथ्स कैलकुलेशन में हम नंबर का यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक कीज। और ये किस में होती है हमारे पास, कीबोर्ड में, तो यहाँ से हम इन नंबर कीज का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नंबर कीज से भी और न्यूमेरिक कीपैड से भी। तो डियर स्टूडेंट, अब आप लोग इसको अच्छे से घर में रीड करेंगे चैप्टर 3 को, टाइपिंग एंड यूजिंग द माउस वाले चैप्टर को, तो थैंक यू।